अस्सलाम वालेकुम। डेली मार्केट रिव्यू के साथ मैं हूं यूसुफ सईद। केसी 100 इंडेक्स आज 52,656 के लेवल बंद हुआ और 300 पॉइंट से ज़्यादा का जो है उसमें इजाफा देखा गया। ओवरऑल वॉल्यूम्स की बात करें तो आज भी जितने जिस तरह हम पिछले एक महीने से देख रहे हैं बहुत अच्छा वॉल्यूम हो रहा है। आज भी केसी ऑल शेयर इंडेक्स में तकरीबन 473 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो एक जो है वो काफ़ी इसमें जो है उनको अभी भी लगता है कि मार्केट में काफ़ी तेज़ी है और काफ़ी जो है इसमें गुंजाइश बाकी है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी जो है बिल्ड हुआ है, जिसमें हम देख भी रहे हैं कि आज जब सुबह मार्केट ओपन हुई तो इसके बाद थोड़ी सी रैली करने के बाद मार्केट में जो है प्रॉफिट टेकिंग हुई और नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं वो एक वक्त थोड़े से नेगेटिव भी हो गए थे, लेकिन इसके बाद फिर रिकवरी आई और बाइंग आई और उसके बाद इंडेक्स हमने देखा कि 300 पॉइंट से ज़्यादा जो है उसमें इजाफा होकर जो है बंद हुआ। इसके साथ साथ IMF की बात करें तो IMF की टीम भी पाकिस्तान आ गई है और मुज़ाकरात चल रहे हैं नेक्स्ट ट्रांच के लिए, जो पॉसिबली जिसमें एक्सपेक्टेशन है कि पाकिस्तान को नेक्स्ट ट्रांच जो है वो मिल जाएगी। इसके साथ साथ कल जो T-bills का ऑप्शन हुआ था उसमें भी हमने देखा था कि यील्ड जो है वो डिक्लाइन हुई है, जिससे फर्दर और इक्विटी मार्केट को जो है कॉन्फिडेंस मिला है और पॉसिबली जब मनी मार्केट जब भी रेट कम होगा और मनी मार्केट से पैसे जो है वो निकल के जो है वो इक्विटी मार्केट के अंदर आएंगे तो फर्दर और हम इसमें जो है वो बूस्ट देखेंगे। अभी भी अगर मल्टीपल वाइज देखें तो मार्केट काफ़ी जो है वो चीप चल रही है और अभी भी जो है बहुत सारी स्टॉक्स हैं जिसमें जो है फंडामेंटली काफ़ी गुंजाइश जो है नज़र आ रही है। इसके साथ साथ एक रीज़न और था जिसमें जो है वो डिविडेंड एक्स डिविडेंड कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी एक्स होना बाकी हैं और उनमें एक अच्छा डिविडेंड भी है। कुछ बैंकिंग सेक्टर की बात करें, पावर सेक्टर की बात करें तो ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से मार्केट में हमने जो है वो दे दी थी। इसके साथ साथ सिक्टिकल्स सीमेंट्स की बात करें, ऑटो की बात करें तो काफ़ी टाइम से जो है वो इनके अंदर भी जो है तेज़ी नज़र आ रही, जबकि बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग होते हुए जो है वो नज़र आई। आज सबसे ज़्यादा काम जो है WTL के शेयर्स में हुआ है, इसके बाद TPLP के शेयर्स में हुआ है और उसके बाद जो है पाकिस्तान रिफाइनरी और सिनर्जी के शेयर्स के अंदर जो है सबसे ज़्यादा काम देखने में आया। गोइंग फॉरवर्ड मार्केट इसी तरह जो है वो मूव कर सकती है, थोड़ी बहुत करेक्शन भी आ सकती है, तो जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ जो है वो प्रॉफिटिंग भी करनी चाहिए और मार्केट अगर थोड़ी सी वीक होती है तो फिर जो है वो बाइंग भी जो है वो करनी चाहिए। थैंक यू।